अपने शालीनता द्वारा बहुत रोते हैं, दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। अगर ये लाइनें हमारे लोगों को पसंद आएगी तब आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। बहुत रोते हैं, दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। अगर माँ की दुआ है, माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि माँ संवेदना है, माँ लोरी है, माँ झरना है, माँ प्यार है, माँ का आंचल सबसे बड़ा कोमल होता है, माँ गंगा है, माँ ही गोदावरी है, माँ ही तीरथ है, माँ ही प्रयाग है, उसके चरणों में ही चारों धाम होते हैं। और हर कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ, अगर दोनों पार्टी कलाकार आवाज सुन रहे हैं तो आप अविलंब आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत स्वागत है सचदेवा शरारती कानपुर मंच पे। नाम तो शरारती है तो लोग सोच रहे होंगे कि कैसी शरारत करेंगे, यहाँ ऐसी ऐसी शरारत नहीं होगी, जो भी होगी गीतों की विधा से। कहते हैं ना ये बच्चा बहुत शरारती है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे जो है शरारत करते ही है। कभी कभी कहते हैं लड़कौना बोला बप्पा से, बप्पा हम हो करबे शादी, तो बप्पा बोला लड़की है कहाँ, लड़कौना बोला बुढ़िया रानी, बप्पा बोला लड़कौना से तू तो एकदम निकम्मा है, जिससे तू शादी करन चाहत पगले वो हमारी अम्मा है। तो बहुत अच्छा ये पावन क्षण है, अतिथियों का आगमन हमारे बीच में। दिनेश सिंह जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी का आगमन हुआ है। हर एक कार्यक्रमों में जहां पर धार्मिक या सामाजिक ऐसे कार्यक्रम होते हैं, आप जैसे अतिथियों का कई वर्षों बाद मुलाकात हुई है, जब बाबा जी चाहते हैं तभी मुलाकात होती है। दोनों पार्टी कलाकार अविलंब उनसे निवेदन है कि मंच पर आ जाए, कि जिसको देखो वो सजा देता है, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन कर के दगा देता है, दोस्त बन कर के दगा देता है, ओ तो माँ बाप का दिल है वरना, ओ तो माँ बाप का दिल है वरना, मुफ्त में कौन दुआ देता है। एक पुजारी जी के पास जाओ प्रणाम करो, अगर उनको दक्षिणा नहीं दोगे तो दुआ नहीं देगा। एक भिखारी के पास जाओ, अगर मुफ्त में उससे दुआ लो तो मुफ्त में नहीं देगा, लेकिन एक माँ बाप ही है, उनको गाली भी दे दो तब भी आपको दुआ देंगे। माँ बाप के लिए जिनके हैं जोरदार तालियां। एक माँ बाप ही है जो मुफ्त में दुआ देता है, फकीर भी नहीं दुआ देते हैं, भिखारी भी दुआ नहीं देते हैं, ये तो हमारे माँ और बाप का आशीर्वाद है। चाहे जितना बोलो मुफ्त में दुआ मिलती है। यहाँ पर जो सुंदर स्वरूप है केएस म्यूजिक कसिक सिंह राठौर, एक भारतवर्ष का बेहतरीन चैनल, धार्मिक सामाजिक संगीत के हर एक क्षेत्र में जिन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तरासे तो सभी गए पर सब कोहनूर न बन सके, तरासे तो सभी गए पर सब कोहनूर न बन सके, उगाए तो सब साथ में गए पर करौंदे अंगूर न बन सके, वैसे तो अनजान जमाने के बहुत कलर देखे हैं, मस्तक पे सजे सुंदर सब सिंदूर न बन सके। बहुत कलर है दुनिया में लेकिन मस्तक पर सजे सब सिंदूर न बन सके। आइए आइए नहीं, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।
माँ और पिता के लिए एक पंक्तियां और नजर आती हैं। हमारे कशिश सिंह राठौर केएस म्यूजिक के और इस समय सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी और सम्मानीय श्री देवेंद्र तिवारी जी बुंदेल उत्थान समिति के आप अध्यक्ष हैं। आप भी मंच की तरफ अग्रसर हैं। कार्यक्रम इन पंक्तियों के साथ मैं मंच पर कलाकारों के सुंदर कार्यक्रम की तरफ आपको लिए चलूंगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम, दोनों पार्टी के कलाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं। अपने सुंदर गीतों, अपने सुंदर साहित्य और शिव से सुसज्जित इस दरबार में सारी रात जागरण का कार्यक्रम देखेंगे। पंक्तियां अच्छी लगे चूंकि मैं बिल्कुल ट्रैक को क्लियर कर रहा हूं। जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, चाहे सुपर फास्ट हो चाहे श्रमजीवी हो, लेकिन जो चालक होता है जब तक वो ट्रैक नहीं क्लियर होता है, तो मैं ट्रैक क्लियर कर रहा हूं। जैसे सब्जी बिना पालक के, गाड़ी बिना चालक के, वैसे मंच बिना संचालक के भी अधूरा दिखता है प्रभु जी। कि दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते, दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते, एक माँ चार पाल सकती है, एक माँ चार पाल सकती है, चार माँ को रख नहीं, चार बेटे एक माँ को नहीं रख सकते। तो मैं चाहूंगा माँ बुजुर्गों का सम्मान। आइए कार्यक्रम की तरफ फोकस लिए चल रहे हैं। मंच पर सम्मानीय सचदेवा शरारती अपने साथी कलाकारों के साथ, मंच पर सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी अपने सहयोगी कलाकारों के साथ, सिंह का जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत करें। स्वागत का क्षण काफी अपने में अनुपम है। तुम बगिया हम फूल खुशबू में मिलेंगे, तुम कागज हम स्याही बेदों में मिलेंगे, तुम माला तुम धागा हम मोती माला में मिलेंगे। तालियों स्वागत करें। बहुत अच्छा ये पावन क्षण है। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। स्वागत का क्षण काफी अपने में अनुपम है। भी आप बाराबंकी को मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। स्वागत का क्षण काफी एक शब्द है भोले, जैसे हम कहते हैं भो, भो संबोधन का शब्द है। जैसे हम कहते हैं हे, तैसे वो कहते हैं ले। मतलब आपको ले कहना ही नहीं पड़ेगा, भो कह दिए तो प्रसन्न हो जाते हैं। और वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज गेंदहारम सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो यहाँ पर सादगी, साहसता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम और आप सभी लोग त्याग की प्रतिमूर्ति भी है। तो कार्यक्रम आप सभी लोग बस जल्दी हमारे साउंड सर्विस, एक लोगों ने कहा लॉकअप और लॉकडाउन में क्या अंतर होता है। गुरुजी ने प्रश्न किया कि लॉकअप और लॉकडाउन में क्या अंतर होता है, हालांकि हंसने के लिए है। लॉकअप में अंदर जाने में धुलाई होती है और लॉकडाउन में बाहर जाने में धुलाई होती है। दोनों में यही अंतर बच्चे ने बताया। फिलहाल न यहाँ कोई लॉकअप है न कोई लॉकडाउन है। बहुत अच्छा आप सभी लोग कार्यक्रम देखेंगे, सुनेंगे और सबसे माता पिता के लिए यही कहना है, यही। और एक चीज सबसे बढ़िया क्रम, जब हम लोग यहाँ आए पहले मंच वहां पर लगता था, इस बार आए तो पहली बार यहाँ पर आए, पहली बार आए तो देखा कि टाइल्स वो क्या इंटरलॉक भी देखा गया, पहली बार ही देखा गया, इतना भव्य पंडाल देखा गया पहली बार देखा। और यहाँ पर सचदेवा शरारती भी आए तो पहली बार जोरदार तालियां।
यहाँ पर नीलम विश्वकर्मा भी आई है, तो पहली बार आई है मंच पे। तो मैं कई बार आया बैक साइड, लेकिन इस मंच पे भी मैं आया पहली बार। और भैया राजू सिंह के यहाँ जो सेवा भाव भी हुआ और उनके भवन में भी गया, तो पहली बार गया। और पहली बार, हर बार मैं होंडा साइन से आया था, इस बार मैं सुपर स्प्लेंडर से आया पहली बार। और इस बार आपके कार्यक्रम को चैनल के माध्यम से सजाने आए हैं केएस म्यूजिकल ग्रुप कशिश सिंह राठौर, जोरदार तालियों से पहली बार। और यहाँ पर पहली बार की जब बात आई तो मैं चाहूंगा बड़े भैया इनके सम्मान में, चूंकि पूरे भारत वर्ष में जिन्होंने कीर्तन को एक आयाम दिया है, तो आज गजबतपुर बेलिया के मंच पे श्री देवेंद्र तिवारी जी भी आए हैं पहली बार। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों स्वागत करें। तो आइए माननीय विधायक जी, बहुत अच्छा ये पावन क्षण है आपके क्षेत्र के ऐसे कर्मठ विधायक हमारे छोटे अनुज श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, आप भी आज इस मंच पे, हालांकि कई कार्यक्रमों में मिले हैं कई बार, लेकिन आज इस मंच पे भी आप पहली बार, जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। तो आइए पहली बार, पहली बार। और जहां पर शायद ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के हमारी मूर्तियां भी पहली बार आई हैं, और पहली बार मैं भी इस मंच पे आया, पहले मैं हांडा साइन से आता था, इस बार सुपर स्प्लेंडर से आया पहली बार। राजू शुक्ला जी और हमारे पांडे जी और उनकी टीम ने वैसे तो मुझे कई बार बुलवाया, लेकिन दोस्त 3 साल के गैप होने के बाद मैं फिर इस प्रांगण में आया पहली बार। और केएस म्यूजिक ग्रुप के हमारे संजय भी भैया आए हैं अपना स्टूडियो लेके पहली बार। तो पहली बार बहुत बढ़िया। और पहली बार अभी मैं पूछ रहा था, आर यू मैरिड, आर यू नो, किसी भी मंच पर जब तक यहाँ पर जवाबी कीर्तन प्रोग्राम जब से हुआ है, दो युवा नवोदित कलाकार और दोनों अविवाहित आए हैं पहली बार, सही है। और मैं तिवारी जी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अविवाहित मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोनों कलाकार आज से अध्ययनशील है। आज से अगर ये लाइनें जमेगी तो आप केएस म्यूजिक के चैनल प्रोपराइटर नोट कर लीजिए, मैंने इन दोनों कलाकारों को अनमैरिड नहीं कहा है, अविवाहित कहा है, कि दोनों कलाकार आज से अध्ययनशील है, वाक से वाकपटु है, ही से हितैषी है, ता से तत्पर और तल्लीन है, इसीलिए दोनों कलाकार श्रेष्ठ कलाकार है, इसलिए मैंने अविवाहित की श्रेणी दिया है। आज से अध्ययनशील है, वाक से वाकपटु है, ही से हितैषी है, ता से तत्पर है, तभी तो अच्छे कलाकार दोनों मेरे अविवाहित है। पहली बार आता है जहां पर एक बार आता है, एक बार भूपत मनमाही भय गलान मोरे सुतनाही, एक बार जन्नी अनवाए कर सिंगार पलना पहुड़ाए, एक बार भूपत मनमाही भय गलान मोरे सुतनाही, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज पाई, और रावण ने भी माँ जानकी से कहा एक बार बिलोक ममोरा, तो त्रिधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपत परम सनेही। दोनों हाथ उठा के एक बार, एक बार जागेश्वर महाराज जी के लिए भी दोनों हाथ उठा दीजिए, जिनको मिले हैं दोनों हाथ उठाएं, बोलिए जागेश्वर महादेव की, बोलिए जागेश्वर महादेव की, हर हर बम बम जोर से, हर 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 हर। चलिए, ये जो मंदिर का भव्य मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा कराया गया है, हमारे बीच में पुलिस प्रशासन के सक्षम अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का भी हृदय स्वागत है। जो हम लोगों को सुरक्षा सम्मान की कड़ी हम लोगों को जो मिलता है, आपका भी स्वागत है माननीय विधायक जी। सीधा मंच पर माननीय विधायक जी का हम आह्वान करते हैं, और ग्राम प्रधान के ठैया द्वारा, ग्राम प्रधान सलेमपुर, और मैं माननीय विधायक जी का
मंच पर आह्वान करता हूं। ये बहुत गौरव का क्षण है, ऐसे शिष्टशाली, ऐसे सुजन, सबको साथ में लेकर के सबका साथ सबका विकास जो क्रम है, मंच पर हम माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए यहाँ पर आह्वान करते हैं। विगत कई वर्षों से हमारे छोटे अनुज जो ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हैं, माननीय विधायक जी, माल्यार्पण करके स्वागत, जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें, ऐसा दिव्यतम स्वरूप है। मैं दो शब्द टेंट हाउस वाले जो भी भोजन नहीं किए हैं जाकर के आप लोग भोजन कर लें। मालवा की शाम, अयोध्या का राम, मथुरा का घनश्याम, कश्मीर की घाटी, मेवाड़ की माटी, हमें बचाना है हंसता हुआ किसान, और हमें बचाना है सीमा पर शहीद होते हुए जवान। अगर हमारे देश के जवान सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कहा गया है, मैं सूर्यप्रकाश द्विवेदी जनपद सुल्तानपुर एक बाजार खुलवार बाजार से आकर के कि नाम में शहीदों के, माननीय विधायक जी, नाम में शहीदों के डिग्रियां नहीं होती, बदनसीब हाथों में चूड़ियां नहीं होती, सबको उस रजिस्टर पर हाजिरी लगानी है, क्योंकि मौत वाले दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। जोरदार तालियां। अभी ये लाइने हमारे एमपी अग्रवाल जी कमिश्नर साहब आए थे, थाना बंधुआ करा मॉडर्न थाने का उद्घाटन, तो वो लाइने मुझे याद आ गई कि हमें जवानों को बचाना है, हमें सीमा पर शहीद होते हुए जवानों को बचाना है। जय जवान जय किसान। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा और आगे बढ़ा दिया, जय विज्ञान। तो जरा जोरदार तालियों से एक बार बोलिए जागेश्वर महादेव की जय। हेलो।